ସାତବର୍ଷ ସେବା କରିଛନ୍ତି କ୍ଲବ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଲକିପର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥର ଗୋଲକିପର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର ବସ୍ ପ୍ରଥମ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେଜୀଙ୍କୁ आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज में। तो मेरा पहला सवाल सवाल तो नहीं बोलूँगा, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं भारतीयों का और फुटबॉल प्रेमी और खास करके जो खेल को पसंद करते हैं। पहली बार कोई फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल का प्रेसिडेंट बना है भारत में, आपसे बहुत सारे उम्मीदें हैं। हाँ, ये देखिए, वो कहते हैं कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि जब सेना जनरल बनती है उनको पता है कि युद्ध में क्या करना है जी। तो चूँकि मैं एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी रहा और अभी मुझे फ़ुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की ये अवसर मिला है, तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों के जो दुख दर्द और उनके जो समस्याओं की जानकारी मुझे है और इस हेतु हम प्रयास कर सकते हैं सब मिल करके किस तरह से खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए और जिस तरह से प्रशिक्षण की अवसर दिया जाए, मैदान की अच्छा रेख देखो जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और जो कोचिंग एक्सपर्टाइज और मैच एक्सपोजर्स, ये जो तीन मूल होते हैं एक खेल को आगे बढ़ाने के लिए, हम समझते हैं उस अनुभव को आगे लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रास रूट लेवल में आपको जाना है, मैं ग्राउंड में जाऊंगा, काम करूंगा, क्योंकि मैं जैसे आप बोल रहे थे फुटबॉल प्लेयर भी रह चुका हूं, तो मुझे पता है क्या करना है, क्या करने से हमारा फुटबॉल आगे जाएगा। तो ग्रास रूट लेवल में वुमेन हो या मेंस फुटबॉल, उसको आपका फोकस रहेगा? देखिए, ग्रास रूट फुटबॉल यानी कि हम बोलते हैं एकदम तृणमूल स्तर पर जी, जो एकदम बच्चे जो कि 8 साल 10 साल आयु के जो बच्चे हैं, जहाँ उनकी बेसिक टेक्निक की उन्नति होने की संभावना होती है जी, उस ग्रास रूट डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं भारत के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा जो कि वर्ल्ड के पेरेंट बॉडी है जी, फीफा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, ये चार विभाग मिल करके भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितने नवोदय विद्यालय है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक नवोदय विद्यालय है, उस विद्यालय के माध्यम से 2,61,00,000 बच्चे 2,61,00,000 बच्चों तक इस ग्रास रूट फुटबॉल की लाभ पहुंचाने की ये एक योजना बनाई गई है और जिसमें माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की बहुत बड़ा भूमिका है। और आप भी बात कर रहे हैं, अर्सन वेंगर भी इंडिया आ सकते हैं, उनका टीम काम करेगा भारत में, कैसे फुटबॉल को आगे लेना है? हाँ, देखिए, आर्सेन वेंगर आप जानते हैं कि विश्व के एक ऐसा नाम है, विश्व में एक ऐसा नाम है जो कि यूथ डेवलपमेंट में उनका एक बहुत ही पॉजिटिव योगदान रहा जी। और आज लगभग 35-40 वर्षों की उनकी कोचिंग की अनुभव है जी। अभी उन्होंने फीफा टेक्निकल हेड है, TDS बोले तो टेक्निकल टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के, उस टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भारत को भी इसकी लाभ उठाना है और आर्सेन वेंगर जी भारत में आएंगे, उनके टीम पिछले महीना आए थे, आकर के हमारे योजनाओं को समझे, हमारे भूगोल को समझे और हम वर्तमान में भारत के जो चार जोन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार जोन में हम किस तरह से इस योजनाओं को लागू कर सकते हैं और उससे टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम को बढ़ाया जा सकता है, उसकी हम प्रयास करेंगे और उसमें आर्सेन वेंगर की टेक्निकल योगदान रहेगी जी। अगर उड़ीसा की बात करें तो अभी फीफा U17 वर्ल्ड कप भी हुआ, अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी हो रहा है, तो आपके भी फोकस में उड़ीसा रह रहा है कि जब से आप प्रेसिडेंट हुए हैं तब से उड़ीसा के ट्राइबल एरिया को लेकर भी आपका कुछ फोकस भी रहेगा, तो उड़ीसावासी भी जानना चाहेंगे जी उड़ीसा में फुटबॉल को लेकर आपका विज़न कैसा है अभी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ट्राइबल बच्चे हैं उनमें एक इनबॉर्न लड़ने की क्षमता होती है, उनकी जो एंड्योरेंस कैपेसिटी हमेशा अधिक रहा,
हालांकि उड़ीसा एक हॉकी प्लेइंग राज्य है जहां पे हॉकी बहुत संख्या में खेला जाता है, लेकिन उड़ीसा के महिला फुटबॉल खिलाड़ी अच्छे हैं। भारत के नेशनल टीम में उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर के बहुत सारे महिला खिलाड़ी हैं। मैं इसका लाभ उठाना चाहता हूँ, विशेषकर संबलपुर, सुंदरगढ़, केवंझर जैसे जगहों में जहाँ महिलाओं फुटबॉल खेल की एक प्रोत्साहन है, ढेंकनाल, इस तरह की जगहों में मैं समझता हूँ कि एक हम सोच सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे फुटबॉल की डेवलपमेंट की जाए। और पिछले वर्ष आपको याद होगा कि हमने बाजीराव फुटबॉल कप किया था ढेंकनाल में, और उससे उस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन बना, और इस तरह के जितने टूर्नामेंट हम कर पाएंगे अभी, और मैं समझता हूँ कि संतोष ट्रॉफी का यहाँ पे एक जोनल लीग रखा गया था, तो जितने सारे मैचेस होगी उतना ही दर्शक का आना रहेगा, उतना ही बच्चों की इसमें प्रोत्साहन बनेगी, और उतने ही बच्चे इस पे खेलने के लिए उत्साही होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मोर कंपटीशन, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द टैलेंट टू डेवलप। आप संबलपुर के बाद बोल रहे थे, जनरल मिश्रा जी के भी जो एकेडमी था फुटबॉल, उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पश्चिम उड़ीसा में एक बेहतर ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, वो भी हो सकता है, और वो मुझे मालूम है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, और जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिम उड़ीसा में भी संभावनाओं बहुत है। यहाँ जैसा कि भुवनेश्वर कटक में जिस तरह से एक मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि पश्चिम उड़ीसा में भी जब इसकी डेवलपमेंट होगी, और इससे ये लाभ होगा कि बच्चों को इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आज कहीं किसी को मान लीजिए पश्चिम उड़ीसा से पूर्व उड़ीसा आना पड़े, अब उसकी जो ट्रैवलिंग टाइम और जो परिश्रम है उसकी लागत हो सकता है जब उनके अपने स्थान या नज़दीक में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। तो उड़ीसा को लेकर खास करके वोमेंस टीम और मेंस टीम को लेकर कुछ स्पेशल आप सोच रहे हैं अभी? हाँ देखिए, मैं आप जानते होंगे कि एक समय फुटबॉल जो है बंगाल में बहुत लोकप्रिय, और सारे टैलेंट जो बंगाल में ही खेलने जाते थे, और देश के सभी बेस्ट खिलाड़ी जो है कोलकाता के मोहन बगान ईस्ट बंगाल में खेलते थे जा करके। लेकिन अभी देखा जाए कि पूर्व भारत के, या तो मैं गलत नहीं होगा यदि मैं ऐसा कहूँ, भारत में उड़ीसा का एक खेल का एक अच्छा पहचान बना है। यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट हो रही है, बहुत सारे चैंपियनशिप हो रहा है, और इसमें फुटबॉल को भी लाभ पहुँचा है, और यहाँ से एक टीम भी है जो कि भारत के ISL लीग में भी खेलती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद पूर्व भारत में यदि कहा जाए तो बंगाल से आगे उड़ीसा निकल चुका है, जहाँ खेल की मापदंड के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, आप कोलकाता की बात कर रहे थे, आप टीम इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जब आप खेल रहे थे आपको जर्मनी लीग से भी ऑफर आया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ आप जा नहीं पाए, लेकिन मेरा सवाल ये, अभी आप प्रेसिडेंट है फीफा के, लेकिन जब आप खेल रहे थे वो ज़्यादा मुश्किल था या अभी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है? नहीं देखिए, जीवन तो आपको सिखाता रहता है, जीवन का दर्शन ही है, हम हर दिन कुछ ना कुछ नए कुछ सीखते हैं। और हाँ, मैं जब खेलता था तब जर्मनी में मुझे मैं सिलेक्ट हुआ था जर्मनी में, मुझे अवसर मिला था जर्मनी में खेलने के लिए, लेकिन उस समय एक नियम बनी थी जर्मनी में, सन 2000 की यूरो चैम्पियनशिप में जर्मनी का जब रिज़ल्ट बढ़िया नहीं रहा, तब उन्होंने ये निर्णय लिया था कि टॉप के दो डिवीज़न छोड़ करके, लीग वन, बुंदेसलीगा वन और बुंदेसलीगा टू को छोड़ करके, बाकी के नीचे के जितने लीग है, रीजनल लीगा, फर्वेंस लीगा, वो सारे में इन्होंने फॉरेनर बंद कर दी थी, वर्क परमिट देना बंद कर दिया था। इसका कारण ये था कि आप मान लीजिए यदि नीचे के लीग में भी विदेशी खिलाड़ी आकर के खेलते हैं तो आपके देश के खिलाड़ियों को कम मौका मिलता है। इस कारण जब देश के खिलाड़ी टॉप नेशनल टीम में जाते हैं, फिर उसकी मैच एक्सपोजर की कमी के कारण नेशनल टीम कमज़ोर होता है, तो इस कारण से बहुत सारे खिलाड़ियों को वर्क परमिट नहीं मिला उन दिनों, जिसमें से मुझे भी नहीं मिला था। चिली, अर्जेंटीना, घाना ऐसे देशों के भी खिलाड़ी उस समय खेलते थे।
उसी को देखते हुए मैंने भी भारत में, आप देखे होंगे भारत में हमें स्ट्राइकर की कमी है, एक आज के तारीख में सुनील छेत्री हमारे एकमात्र स्ट्राइकर है। भगवान ना करे सुनील छेत्री को कहीं किसी दिन कोई इंजुरी हो जाए और हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट मैच हो, फिर हमारे लिए सेकेंड बैकअप की कमियां दिखती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस साल क्या किया कि हमारे देश में भी टॉप टू डिवीज़न छोड़ करके, जैसे कि ISL और आई लीग वन को छोड़ करके, बाकी सारे लीग में हमने विदेशी खिलाड़ी बंद कर दिए। इससे क्या होगा, बहुत सारे खिलाड़ी जो कि मान लीजिए हर टीम में दो दो तीन तीन विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं और मुख्य रूप से वो स्ट्राइकिंग पोजीशन में खेलते हैं, तो यानी कि यदि हम मान लेते हैं कि हमारा स्ट्राइकिंग पोजीशन में देसी खिलाड़ी का कोई जगह ही नहीं है, फिर उनको मैच एक्सपोजर नहीं मिलता है। इस कारण से हमने उस स्थान पर हमने विदेशी खिलाड़ियों को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद ताकि देशी खिलाड़ी खेले और वो नीचे से ऊपर आए। ये मैंने जर्मनी में जब मैंने खिलाड़ी के रूप से गया था वहाँ से मुझे इस अनुभव मिला, उस अनुभव को मैंने भारत के फुटबॉल में लाया। যে করাপ্টেড সে কিপরি করিকে করিকে টঙ্কা আদায় করছেন কোণ করছেন কে কে তাঙ্ক টঙ্কা করপশন পাই হেল্প করছেন সেসব বিষয়ে তো জানিলে তেণু সে মনীষ অগ্রওয়াল টার্গেটরে লে যে কেতবে যদি ইনভেস্টিগেশন হুয়ে ইয়ে সত কথা বাহারে কহিদেব কি কোণ সেই ভয়রে হি সে মো স্বামীকে মর্ডার করা গেল লোকাল পুলিশ মিছ কৌছি বলে এই কেস কু ক্রাইম ব্রাঞ্চ নিজে নেইথিলে কিন্তু ক্রাইম ব্রাঞ্চ বি দোষীকু বা অপরাধী মানুষ বারম্বার বঞ্চাইবাকু চেষ্টা করছেন সেমানে চার্জশিট দেবাকু হি রাজি নথিলে। দুর্নীতিগ্রস্ত জনে জিলাপালকর পুরা পোল মুখা কালে খোলি যিব সেইথিপাই ইয়ে হত্যা বলি পরিবার লোকে বারবার অভিযোগ আনিছন্তি কিন্তু পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ সবলে চেষ্টা করিছি এই মামলাকু চাপি দবা পাই যেতেবেলে কোর্ট মানি নালে যে এটা গটে মর্ডার কেস মর্ডার অনুসারে হি ইনভেস্টিগেশন হবো তা পরদিন হি জনে আই উইটনেস কু সেমানে হত্যা করি দিলে আমি কোর্ট ডেট অনুসারে কোর্ট কু আসি এফআইআর হবাকু কিন্তু সেই ডেট রে হিয়ারিং হই এটা লাগুছি গটে ষড়যন্ত্র নিশ্চয় ষড়যন্ত্রকারী জিলাপাল দেখন্তু শনিবার দিন 10:30 রে টয়লেট যিবা সময়ে আপন কষ্ট অনুভব করুছন্তি কি ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି କି ଏହା ହୁଏତ ଅର୍ସ ବା ପାଇଲ୍ସ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ କ'ଣ ଏହି ଅର୍ସ ବା ପାଇଲ୍ସ ରୋଗ ପାଇଲ୍ସ ଏବଂ ମଳକଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ କ'ଣ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା କେତେ ଜରୁରୀ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଲ୍ସ ରୋଗର ଉପଚାର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ତଥା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠୀ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟିପ୍ସରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଅଞ୍ଜନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ଦି ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେବ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ପୁଣି ଥରେ ଗଡ଼ିବ ତିନି ରଥ, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି, ଅପେକ୍ଷାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାବାହୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲେସିଂସ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। କାଳିଆ ଶ୍ରୀଚରଣୀ ରୁମ୍ଟା ଷ୍ଟିଲ TMT ବାର ଏକଦମ ସଲିଡ। इम्फा, adding value since 1961. शिक्षा और अनुसंधान 25 years of excellence. Ritvika Gold, Master Canteen Janpath, Bhubaneswar. श्रीक्षेत्रर श्री मंदिर, से मंदिर विजय आम कालिया ठाकुर। କଳା ଦିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି
आम परंपरा सबुठ निरा निरा आम महाबाह सेवा पुनी निराता सेवायत महाप्रभु महिमा और सेवायत अनुभूति को नहीं अर्गस न्यूज रो स्वतंत्र उपस्थापना निरा आम बड़ ठाकुर जून 21 सकाळ 6:30 रे पुनः प्रसारण सकाळ 10:30 रे महाप्रभुंक सेवारे हैंडक्राफ्टिंग ब्लेसिंग्स सिंस 1936 खिमजी महाप्रभुंक कृपारे भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया सत्तालीस को लेकर मिशन मोड में है लेकिन हर भारतीय के मन में ये सवाल तो आएगा जे भारत कब फीफा वर्ल्ड कप खेला ये सवाल तो बार बार आपको भी पूछा जा रहा होगा कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीम इंडिया फीफा में खेलेगा और हम लोगों को भी चीयर करने का मौका मिल सकता है देखिए भारत सन 1960, 1970, 1974 तक भारत ने फुटबॉल में विश्व के बाकी देशों के साथ कॉम्पिटिटिव फुटबॉल भारत खेलते थे जी 1974 में लास्ट मार्डेका कप और एशियन गेम्स में भी उन्होंने 1972 में अच्छा किया लेकिन उसके बाद 40 साल जिस तरह से एशिया के दूसरे देश या तो विश्व के दूसरे देश फुटबॉल में उन्नति की है भारत की उन्नति रुकी हुई थी भारत ने मैं समझता हूँ कि मॉडर्न फुटबॉल को जिस तरह से अपनाना चाहिए था वो अपनाया नहीं तो इस 40 साल के बीच में आप देखेंगे जापान साउथ कोरिया ईरान सऊदी अरब जैसे देश और बाद में रशिया से जो उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान ये सारे देश बने ये सारे देश एशिया रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया जब भारत एशिया में जुड़े ये सारे देश भारत से बहुत आगे चले गए अभी ये जो गैप 40 साल का गैप रहा इस गैप को कवर करना जाकि मैं समझता हूँ कि रिले रेस में मान लीजिए आप एक लैप पीछे हैं और आप दूसरे एथलीट के साथ भाग रहे हैं एक ही साथ भाग रहे हैं लेकिन आप एक लैप पीछे भाग रहे हैं तो इस लैप को कवर करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि आज की तारीख में फुटबॉल मुख्य रूप से टैलेंट कम और टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर ज़्यादा आधारित है जी। तो भारत को अपना इस उन्नति को गति बढ़ाना पड़ेगा और जब हम इस गति में वृद्धि ला सके तभी हम इस विश्व कप में खेलने की सपना देख सकते हैं। अगला विश्व कप में भी 48 टीम्स शामिल हो रही है तो ये भी थोड़ा अच्छी खबर है धीरे धीरे टीम बढ़ रहा है तो आगे जाकर टीम इंडिया को भी फायदा हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि जैसे कि 48 देश खेलेगी विश्व कप उसके साथ एशिया के भी कोटा की वृद्धि होगी जी और हमें ये प्रयास करना पड़ेगा जिस देशों की मैंने नाम कहा ये सारे एशियन देश है इस देशों के साथ यदि हम टॉप 8 में आ जाते हैं एशिया में यदि टॉप 8 में आ जाते हैं तो हम निश्चित रूप से वर्ल्ड कप खेल सकते हैं तो इसलिए हमारा मुख्य रूप से टारगेट जो है विश्व कप खेलने के लिए हमें एशिया में रैंकिंग वृद्धि हमारी टारगेट है एशिया में रैंकिंग टॉप 8 में आने से हम ऑटोमेटिकली विश्व कप खेलने में हम सक्सेस बन सकते हैं जी आप बोले थे हॉकी को लेकर लेकिन राउरकेला और खास करके भुवनेश्वर और भी जगह हैं जहाँ पर CSR एक्टिविटी के जरिए फुटबॉल को बढ़ावा देने का भी खास करके प्लान कर रहा है फुटबॉल इंडिया तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं खास करके राउरकेला और उड़ीसा के जितने भी जगह आप फोकस में रख रहे हैं तो CSR एक्टिविटीज़ के जरिए क्या सब प्लानिंग कर रहा है फुटबॉल इंडिया देखिए CSR जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं देश के खेल को आगे बढ़ाने में लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खिलाड़ियों को उन्होंने इंडिविजुअली मोटिवेट किए हैं पिछले दिनों हमने देखा कोई भी खिलाड़ी जब विदेश जाते हैं कोई इंटरनेशनल गेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या वो जब कोई पदक जीत करके मेडल जीत करके वापस आते हैं प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं उनको अपने रेसिडेंस पे बुलाते हैं उनके साथ भोजन करते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जब खिलाड़ियों या खेल को जब इतने प्रोत्साहन दे तो हम समझ सकते हैं कि देश की खेल जो है मुख्य धारा के साथ जुड़ेगी और खेल की एक अपार संभावना है करियर बनाने के लिए और CSR जब आपके प्रधानमंत्री चाहते कि खेल बढ़े तो मैं समझता हूँ CSR जो बड़े कॉरपोरेट है देश के वो भी चाहेंगे कि खेल की डेवलपमेंट हो मैं आपको इसके साथ भी कहना चाहूँगा कि
भारत सरकार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभाग द्वारा जो खेलो इंडिया की आयोजन होती है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये जो हो रही है इसमें देश के लाखों बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। और जब लाखों बच्चे, मान लीजिए पिरामिड के नीचे बहुत सारे खिलाड़ियों को ये जब मौका मिलता है ट्रायल में या खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ से आप धीरे 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 ऊपर जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ खेलो इंडिया एक अच्छा अवसर है भारत के ग्रामीण बच्चों के लिए, जो कि हर हर कोने से आ सकते हैं और खेल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर स्कूल के बारे में हम लोग बोले, अभी न्यू एजुकेशन सिस्टम में खेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो फुटबॉल इंडिया भी ऐसा कुछ कर रहा है स्कूल में, खास करके इसको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? मैं समझता हूँ कि देखिए स्कूल ही एकमात्र जगह है जहाँ बच्चे एकदम जब शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करते जो केजी से, नर्सरी से, और जब वो अपने एकेडमिक जीवन शुरू करते हैं पढ़ाई के माध्यम से, आप जब वहाँ खेल के भी उनको आप अवसर देते हो तो पढ़ाई और खेल साथ साथ हो जा सकते हैं। और आपने देखे होंगे कि ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट की विकास एकदम कम उम्र में, 6-8 वर्ष आयु में ही ये समझ में आता है कि एक खिलाड़ी के अंदर खेल में जाने की प्रतिभा है कि नहीं है। एक यदि है तो किस खेल में जाने की प्रतिभा है। तो मैं समझता हूँ जब हम खेल स्कूल में ले जाएंगे, विशेषकर जब हम प्राइमरी स्कूल में ले जाएंगे, वहाँ से हमें प्रतिभा की विकास की संभावना और प्रतिभा के आइडेंटिफाई, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की संभावना भी बहुत बढ़ता है। आखिर में मेरा सवाल रहेगा, रैंकिंग फुटबॉल में ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन भारत अभी 101 में नंबर पर है, आप कैसे देखते हैं आगे सालों में भारत कहाँ पर आ सकता है? देखिए हमने अभी 8 महीना हुआ है जी इस फुटबॉल संघ की दायित्व संभाले हैं, और तब 106 में भारत की रैंकिंग थी, अभी 101 हुआ जी। और मैं आशा करता हूँ कि अभी भारत 99 में हो जाएंगे 100 के अंदर। इसके बाद मलेशिया में मर्डेका कप होगी, थाईलैंड में किंग्स कप होगी, तो आपके नेशनल टीम जितने सारे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे और उससे यदि जीतेंगे तो उनकी फीफा रैंकिंग की वहाँ पे उन्नति की संभावना होती है। तो एक लंबे समय तक हमने हमारी नेशनल टीम, भारत की नेशनल टीम उतना इंटरनेशनल मैच नहीं खेले थे, जिस कारण से हमेशा रैंकिंग पीछे चला गया। तो हमारी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच की अपॉर्चुनिटी दी जाए नेशनल टीम को और रैंकिंग की उन्नति की एक मार्ग बनाया जाए। हम भी यही आशा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने बिजी शेड्यूल से अर्गस के लिए टाइम निकाले, और उम्मीद यही रहेगा कि आप भी आगे बढ़े और भारतीय फुटबॉल भी आगे बढ़े और हम जल्दी भारत को भी फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिले और हम भी उनको चीयर कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी, बता रहे थे कैसा प्लान है उड़ीसा को लेकर, भारत में फुटबॉल को कैसे आगे लिया जाए, इसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे। अभी हमारा समय समाप्त हो गया, मुझे विदा दीजिए, नमस्कार। टॉप हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय पतंजलि दंतकांति, दांतों पाई सर्वोत्तम आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। यूएस कांग्रेस रे मोदी पुणी थे विश्व देखिला भारत शक्ति, द्वितीय थर पाई यूएस कांग्रेस को संबोधन करी भारत